बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एरे इस चैप्टर में देखेंगे कि डिम स्टेटमेंट से क्या हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम प्रोग्राम में हमने देखा कि हमारे पास इस किस्म की प्रॉब्लम थी कि हम प्रोग्राम्स बना रहे थे जिसमें हम स्टूडेंट्स को उनका नाम हम स्टोर कर रहे थे अपने प्रोग्राम में। लेकिन जिस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम में सॉरी लास्ट एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल, वो क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट हो गए, किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 14 हैं, और हो सकता है कि फोर्थ क्लास जो हो उसमें बच्चे पता नहीं कितने हो। ठीक है, तो लेकिन हम ये क्या भी हमारा स्कूल जो है ना, जब हमने अपना स्कूल खोला हुआ है, चलो तो ठहर जाते हैं, जो हमने स्कूल खोला हुआ है उसमें किस क्लास में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे ये 100 से ऊपर नहीं होंगे, मैक्सिमम 100 होंगे। ठीक है, तो आप हमें देखना ये है कि हम किस तरीके से एक प्रोग्राम बनाएं कि जिसमें हम ये बात हम बता सकें, प्रोग्राम को जब हम रन करें चलाएं तो हम ये बता सकें कि भाई इसमें इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले से पहले वाले प्रोग्राम में हम क्या करते थे कि हम क्या करते थे, डायरेक्टली काम करना शुरू कर देते थे और उसमें कुछ काम शुरू कर दिया हमने। चार हमने अगर आपको याद हो 4 या 5 स्टूडेंट्स के नाम हमने इनपुट लिए थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई उस वक्त तो हमने नहीं बताया कि हमारे पास इस उस एरे के अंदर कितनी नेम आ सकते हैं। तो उसकी वजह ये थी कि डिम की डिफॉल्ट तौर पर जो होता है, जब हम GW बेसिक के अंदर अपना प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें अगर एरे को डिक्लेयर नहीं करते, एरे को पहले से उसमें नहीं बताते कि इसमें कितने कितनी चीज़ें आ सकती हैं, कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो कंप्यूटर खुद से बाय डिफॉल्ट 0 से लेके 9 तक की एंट्रीज खुद बना लेते हैं। यानी ये समझ लें कि 10 आइटम्स जो हैं उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो सवाल ये होता है कि हम अपना ये जो सिनेरियो है हमारे पास यहाँ पे, ये जो सिनेरियो है इतना बड़ा कि जहाँ पे क्या हर क्लास के अंदर डिफरेंट बच्चे हो सकते हैं, किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में 15 हो सकते हैं, किसी में 14 हो सकते हैं और न जाने कितने हो सकते हैं, तो इस तरह हम इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास जो एरे है ये मैक्सिमम मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स ले सकती है। तो मैं अगर प्रोग्राम को लिखता हूँ तो उसमें सबसे पहले क्या करना है कि एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि भाई मैं एक एरे ऐसी बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा इतनी एलिमेंट्स आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं इतनी चीजें भर सकता हूँ। तो इसके लिए जो हम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं ये है वो डेम स्टेटमेंट। तो डेम इज अ शॉर्ट टर्म यूज फॉर डायमेंशन, कि डेम जो है इसका मतलब डायमेंशन है, और इसमें जो है आप सबस्क्रिप्ट, जिससे पहले आपने पढ़ा कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि एरे का नाम, सही है ना, उसके बाद जो यहाँ जो हम लिखते हैं ये सबस्क्रिप्ट होता है। और जब हम इसमें मिसाल के तौर पर, अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ लिखता हूँ डेम स्टूडेंट नेम 100, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एरे कंप्यूटर बनाएगा जिसके अंदर वो 100 नाम स्टोर कर सकते हैं, यानी 100 चीजें हम स्टोर कर सकते हैं, यानी 100 जगहें कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर मखसूस तौर पे रख दी जाएंगी इस एरे के लिए कि आप इसके अंदर अपने स्टूडेंट्स के नाम रख सकें। ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को बता सकते हैं कि भाई एक एरे आने वाली है जिसका नाम स्टूडेंट नेम है और उसमें 100 एलिमेंट्स होंगे। अब आइए हम एक प्रोग्राम देखते हैं, उससे समझते हैं कि किस तरीके से हम एरेज को डिक्लेयर कर सकते हैं और किस तरीके से हम वैल्यूज को भर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको प्रिंट कर सकते हैं। अब आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं कि जिसके अंदर सबसे पहले हमने किया कि हमने एक एरे बना रहे हैं जिसका नाम हमने नंबर रखा है और उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसमें 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं। यानी अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर आपके पास एक एरे डिक्लेयर हो जाएगी, आपके पास एक एरे बन जाएगी जिसमें क्या 100 एलिमेंट्स आ सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने पूछा हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर,
यानी इस अब जैसे मिसाल के तौर तो पर अभी हमारे पास क्लासेस वाली एग्जांपल होती तो क्या होता है, अब ये क्लास हो जाती है हमारी, उसमें ये मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स हो सकते थे, तो फिर हम पूछते कितने स्टूडेंट्स आप एंटर कर सकते हैं, तो आप लिमिट बताते 10, 15, 20, तो अब जो लिमिट आप यहाँ बताएंगे उसके हिसाब से इनपुट लिया जा रहा है, 1 से लेके वहां तक इनपुट लिया जा रहा है। और इनपुट से क्या हुआ, जब हम इनपुट ये स्टेटमेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, एंटर नंबर, और हम यहाँ पे एरे का नाम, और फिर ब्रैकेट के अंदर किस किस एंट्री के ऊपर मुझे वैल्यू को रखना है। तो हम स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, 1 से लेके लिमिट से कर लो, पहले 1 पे पूछेगा, फिर 2 पे पूछेगा, और 3 पूछेगा, और मिसाल के तौर पर अगर आपने लिमिट 4 रखी तो 4 नंबर्स को इनपुट लेगा, और फिर सिंपली बहुत सिंपल, और फिर इसको प्रिंट कर लेगा, ठीक है ना। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। लेट सपोज मैं 3 नंबर इनपुट करूँगा, ठीक है, पहला नंबर मेरे पास 56 है, फिर दूसरा 57 है, और चौथा 58 है, तो क्या कोई 3 नंबर प्रिंट होगा, पहले आपने एंटर किए और फिर 3 नंबर आपके प्रिंट हो गए। तो ये बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल थी जिसके अंदर आपने देखा किस तरीके से मैं इनपुट लूंगा वेरिएबल्स में, ठीक है, और किस तरीके से मैं इन वेरिएबल्स को प्रिंट करूंगा, यानी इस एरे को प्रिंट करूंगा। उम्मीद है आप इस लेक्चर से पहले वाला इंट्रोडक्शन टू एरेज वाला चैप्टर वीडियो देख चुके होंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इस एग्जाम्पल को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। बस अब यहाँ पे हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।